तुमने मुझे बताया क्यों नहीं सारम के बारे में? आपने पूछा ही नहीं। तो बेटा, अगर मैं ना पूछता तो तुम सारी जिंदगी ना बताती? आपने भी तो सारी जिंदगी ऐसे ही गुजार दी ना। क्या मतलब तुम्हारी इस बात का? माइंड मत कीजिएगा अब्बा, लेकिन आपने कभी खुद की जात से ज्यादा किसी को इम्पोर्टेंस ही नहीं दी। ऐसा क्या कर दिया मैंने? इसी बात का तो दुख है अब्बा। क्या आपको एहसास नहीं, सारी जिंदगी आपने अपनी महरूमियों की सजा दूसरों को दी है। क्या 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 सजा दी है मैंने? आपको मनपसंद लाइफ पार्टनर के इंतखाब का मौका नहीं मिला तो आपने सारी जिंदगी अम्मी को इसी बात का एहसास दिलाया। हालांकि अगर आप चाहते थे तो मोहब्बत और तवज्जो से उनको बदल सकते थे। अल्लाह ने आपको औलाद नरीना नहीं दी, लेकिन आपने अपनी बेटियों के सामने इस हसरत का इतना इजहार किया कि बाज दफा हमें अपने होने पर शर्मिंदगी होने लगी। लेकिन ये तो अल्लाह का फैसला है ना आपका। अल्लाह जिसे चाहे बेटे देता है, जिसे चाहे बेटियां देता है, और किसी को कुछ भी नहीं देता, तो फिर हम कौन होते हैं अल्लाह के फैसलों पर एतराज करने वाले। I'm sorry, बेटा, इसलिए क्या मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को ऐसा ही लाइफ पार्टनर मिले जैसे उसकी माँ को मिला। ये क्या कह रहे हो तुम खुद तो बेटा? तुम तो एक बहुत अच्छे बाप हो और एक बहुत अच्छे बेटे हो। अब आप जो भी कहें, मैं जानता हूं मैं बहुत बेहतरीन उस्ताद, बहुत जिम्मेदार बेटा, बहुत अच्छा बाप और बेहतरीन दोस्त हो सकता हूं, लेकिन एक अच्छा शौहर नहीं। ये तो उल्फत का ही हौसला है कि उसने इतने साल गुजार लिए मेरे साथ। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें एहसास हो गया, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि सारिम के बारे में दोबारा सोचो। पहले भी मैंने नेहा से पूछ के किया था ये फैसला, और अब भी मैं चाहता हूँ कि नेहा अपनी जिंदगी का फैसला खुद करे। ये एक बहुत अच्छी बात है बेटा तुम्हारी। तुम्हारे बाप ने तो तुमसे यह हक छीन लिया था, लेकिन तुम अपनी बेटी से यह हक नहीं छीन रहे। अब्बा, आपने कुछ गलत नहीं किया था। वो तो सारी जिंदगी खामखा मैंने इस चीज को इशू बनाए रखा। सॉरी बेटा, मेरे फोन आ गया, तुम लोग आपस में बात करो, मेरी एक डील चल रही है। अब्बा, मेरी बात खत्म नहीं हुई। मैं जानता हूँ आज तुम जो चाहती हो बोलो, अपनी भड़ास निकालो। बेटा, मुझे तुम्हारे सर का नहीं पता, लेकिन सुल्तान अपनी औलाद के लिए किसी चट्टान से भी टकरा सकता है। हाँ, वो मान जाएंगे ना? उसका बाप सफीउल्लाह भी मानेगा? अरे यार, मेरे बेटे की दिल की खुशी का मामला है। मुझे किसी हद तक भी जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा, फिक्र ना कर। आप जितनी कोशिश कर सकते ना, प्लीज करें। नेहा के बगैर रहने का तसव्वुर नहीं कर सकता। अरे मेरा बच्चा, तुम तसल्ली रखो, बहुत प्यारा है तू मुझे। तेरा केस मैं पूरी एनर्जी के साथ लड़ूंगा। हाँ, ये वाली शर्त मैं नहीं हारूंगा। हाँ, अच्छा